नींबू अपने घर में आप ताजा नींबू कैसे बना के खा सकते हैं। तो मैंने कहा चलिए नींबू बना रही हूँ, अपने व्यूअर को भी दिखा देती हूँ कि नींबू कैसे घर में बनाई जाती है और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ नींबू, आप लोग रहिएगा मेरे साथ। पहले मुझे चाहिए आधा किलो बेसन, मैंने अच्छी तरह छान के एक बॉल में डाल लिया है। उसके बाद मुझे और क्या चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ। चाहिए जी मुझे 2 चम्मच ऑयल के, तो मैं 2 चम्मच घी के डाल रही हूँ। उसके साथ मुझे चाहिए अजवाइन, अजवाइन मैंने तकरीबन 1 चम्मच से 1/4 हिस्सा लिया है। तो उसके बाद मुझे चाहिए हल्दी, हल्दी भी मैंने 1/2 चम्मच से भी कम ली है। उसके साथ मुझे चाहिए जी काली मिर्च का पाउडर, और वो भी मैंने 1/2 चम्मच से कम लिया है। नमक है हसबे जायका, उसके साथ है जी मीठा सोडा, मीठे सोडे की तकरीबन मैंने 2 चुटकी लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले जिसमें डालते हैं ऑयल को, उसके बाद जी हल्दी, आप इसमें डालते हैं जी नमक। अच्छा घर में आप नींबू बनाएं अपनी मर्जी से, ताज़ा नींबू जब दिल करे तो यकीन करें मज़ा भी आता है और खाने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद ही डालते हैं अजवाइन, ये है जी काली मिर्च का पाउडर, और उसके बाद है जी सोडा, मीठा सोडा। ठीक है, ये मैंने तकरीबन 2 चुटकी डाला है। तो आप इसको अच्छी तरह से मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। जब दिल करे आपका बनाएं खाएं और मज़े करें, तो अच्छी सी आसान सी रेसिपी है, तो ज़रूर आप लोग घर में ट्राई करें, आपको बनाते हुए मज़ा आएगा और खाते हुए भी। ना आया तो पैसे वापस ले लियो मेरे को। ठीक है, अच्छा जी अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, पानी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूँगी, इसको मैंने ज़्यादा नरम नहीं करना। तो जी काफ़ी देर से मैं इसको मसल रही हूँ, इसको थोड़ा सा गूंदने में टाइम ज़्यादा इसलिए लगाया है कि ताकि ये अच्छी तरह से गूंद जाए, ये इस तरह होना चाहिए। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए। चलें जी इसको मैंने गूंद लिया है, अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। ये ऑयल मैंने चूल्हे पे चला दी है, जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा बेसन गूंदने के बाद मैंने ऑयल चूल्हे पे चढ़ा दी है ताकि मेरा ऑयल भी गर्म हो जाए, और साथ में आपको बताती हूँ कि मैं नींबू किस चीज़ से बना रही हूँ। मेरे पास नींबू की मशीन नहीं है, तो इस कपड़े की मदद से मैं नींबू बना रही हूँ। उसको मैंने छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं, एक कील की ज़रिए से वो कील मैंने गर्म की और छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं ताकि उससे आसानी से नींबू निकल सके। तो जिसके पास मशीन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए ये कपड़ा यूज़ किया है ताकि आपको पता चले कि आप घर में नींबू को आसानी से इस तरह बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए छोटे छोटे बिल्कुल ना सुराख नज़र आ रहे होंगे आपको। तो चलें जी अभी मैं इसमें डालती हूँ जो मैं बेसन गूंद के रखा है, और साथ साथ ना इसको भी मैं डाल लेती हूँ। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ जी बेसन को, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बेसन जो है ये छोटी सी पोटली बना के, तो हाथ के ज़रिए दबा के वो छोटे छोटे नींबू निकलेंगी ताकि ऑयल भी गर्म हो गया, तो ये साथ साथ ये भी काम हो जाए। और मैंने ना ऑयल का चूल्हा कर दिया है ऑफ, थोड़ा सा हल्का कर दिया है ताकि मेरा ना ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो जाए। लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा गर्म में डालना चाहिए, मैं कहती हूँ उतना ज़्यादा भी गर्म ना हो कि सारे नींबू ही जल जाए, लेकिन कोई नहीं खानी तो आप पे ही है ना। तो चलो जी मैं हूँ बना लेंदी छोटी जी पोटली ताकि ना मैं वो
ऑयल दे विच निमको छोटी छोटी काढ़ लवां ते तुहानूं फिर मैं दसदी हां बड़ा आसान जिहा तरीका। मैं तुहानूं दस्सिया ते है वा कि मैं देसी तरीके ज़्यादा यूज़ करती हाँ क्योंकि मैं देसी तरीके बड़े ही पसंद ने। तो चलो जी फिर बनाते हैं रल मिल के, आ जाओ फिर मेरे नाल तुसीं भी। मैं बनाती पी छोटी जी पोटली, यह नज़र आती है तुहानूं, ये ना हाथ के जरिए दबा के ते आराम नाल आसानी नाल, मतलब मशीन होनी भी ज़रूरी है, चलो घर में होनी चाहिए लेकिन नहीं है तो कोई मसला नहीं। ये देखें कितनी आसानी से निमको निकल रही है, कितनी आसानी से आप लोग अपने घर में निमको बना सकते हैं और मज़े लगा के खा सकते हैं ताज़ी और फ्रेश निमको। तो चलें जी मैं निमको बना रही हूँ। तो ऑयल मेरा भी अच्छा खासा गर्म है लेकिन मैंने चूल्हा भी हल्का कर दिया, मैंने कहा चले चूल्हा हल्का कर देती हूँ, लेकिन चलें इसी तरह जी मैं बनाती हूँ निमको। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ना एक साइड से ब्राउन हो जाए और दूसरी साइड से फिर मैंने इसको ना उल्टी साइड से ना पकाना है, क्योंकि मैंने अभी अगर इस अभी मैंने इसके अंदर वो उसको उल्टा करने की कोशिश की तो वो सारी ख़राब हो जाएगी, टूट जाएगी। तो चले मैं इसको थोड़ा थोड़ा हिला भी रही हूँ ताकि इसको असर हो जाए। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर तक पकने देती हूँ। तो चलें जी निमको मेरी तकरीबन पक चुकी है, अच्छी करारी होगी, अभी निकालती हूँ मैं इसको। इसको निकाल के तो फिर मैं दोबारा ना दूसरा जो है ना और जो बनाने वाली है वो भी साथ साथ बना लेती हूँ। अभी मैं इसको निकालती हूँ तो ये तकरीबन हो गई है, बिल्कुल कड़ाकेदार तैयार हुई है जी मेरी निम्बू। आपको नज़र भी आ रही होगी कि कैसी बनी है। तो जी बड़ी मज़ेदार निम्बू मैं बना रही हूँ और बैठ के खूब खाऊँगी चाय के साथ। खाती तो वैसे भी हूँ लेकिन आज मैंने अपने हाथों से बनाई है अपने। तो चलें जी मैं निम्बू निकाल रही हूँ, निम्बू मेरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अभी मैं ये निकाल के उसके साथ दोबारा जो और मैं बना रही हूँ वो भी साथ बना लेती हूँ ताकि फिर ना ऑयल जो है वो गर्म है तो गर्म ऑयल में दोबारा डाल देती हूँ ताकि वो भी बन जाए। तो चलें अभी मैं दोबारा ये तो निकाल लिया लेकिन मैं दोबारा अभी इसमें डालती हूँ। ये देखें जी दोबारा फिर वही तरीका मैंने यूज़ किया है कि बस उसी कपड़े को दोबारा मैंने उसी पोटली को दबाना है और आराम से छोटी छोटी प्यारी प्यारी निमको निकलना शुरू हो गई है। और ये देखें कि मशीन की तो ज़रूरत नहीं है, हाथ भी तो मशीन की तरह काम कर सकते हैं। चलें जी मैं अभी बना रही हूँ निमको। तो ये देखें कितने प्यारे और अच्छे लच्छे निकल रहे हैं, लच्छे निकल रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं। तो चलें जी मैं इसी तरह निमको बना लेती हूँ ताकि मेरी निमको हो जाए मुकम्मल। उसके बाद मैंने एक और काम करना है जी, मैंने चने भिगो के रखे हुए थे तकरीबन 7-8 घंटे पहले भिगोए थे, मेरे चने भी नरम हो गए हैं तो उनका काम भी मैंने साथ साथ करना है जी। तो अभी मेरी निमको जब तक ये तैयार होती है अभी इसको मैंने उल्टा नहीं करना, थोड़ी देर के बाद करूँगी। ये चलें जी मेरी निमको तकरीबन थोड़ी सी रह गई है, हो गई है तैयार। तो मैं चेक कर रही हूँ कि नरम ना हो, अच्छी सी कड़ाकेदार तैयार हो। तो तकरीबन जी हो गई है, थोड़ा सा ही रह गया। अभी मैं इसको दोबारा से उल्टा करती हूँ। 7-8 घंटे पहले मैंने भिगो के रखे थे, अभी मैं इनको ना थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर लेती हूँ। उनमें मैंने दो कलर शामिल करने हैं जी, एक मैंने सब्ज़ कलर और एक मैंने रेड कलर शामिल करना है। ये मैंने अलग अलग इसीलिए चने कर रही हैं ताकि ना अलग अलग मैं पे रंग चढ़ा सकूँ। ये रंग मैंने जी फूड कलर यूज़ किया है, तो आपने भी फूड कलर ही यूज़ करना है, कोई और कलर ना यूज़ कर लें। बाद में कहें जी बाजी कह रही थी, मैंने ये नहीं कहा कि कोई और करें, फूड कलर ही यूज़ करना है। तो जी मैं अभी रेड के साथ साथ मैंने सब्ज़ भी रखा हुआ, तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स किया, अभी मैं इसको दूसरे को मिक्स कर रही हूँ। तो अभी मैंने ये दोनों उठा के तो जी दोनों बॉल में डाल देने हैं, तो दोनों हो जाएंगे जी हरे भरे। तो चलें जी अभी मैं शामिल करती हूँ पहले ये सब्ज़ कलर। तो ये देखिए आप चने कैसे खूबसूरत लगेंगे जी इसमें, पहले जी सब्ज़ कलर की मैं बनाती हूँ। ये देखें जी आसानी से बिल्कुल सिंपल तरीका। तो अभी मैं इस पर इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए और देखें आप कैसा कलर आया इस पर। उसके बाद दूसरे को फिर मैं छेड़ूंगी। अभी मैं इसको लगा रही हूँ जी, ये देखें कितना प्यारा कलर, ये खूबसूरत हमारे पाकिस्तान के झंडे वाला कलर आ गया। चलें ये हो गई, अभी मैं इसमें दूसरा जो है रेड वाला उसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो जी रेड कलर मैं डालने लगी हूँ इनमें, देखें ये देखें कैसा कलर आता है। तो चलें इसको भी मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये भी मिक्स हो जाए। उसके बाद इनको भी मैं अभी ला लेती हूँ ताकि ये भी ना अच्छे से कलर इस पर चढ़ जाए। तो चलें जी ये मैंने भिगो के तकरीबन 6-7 घंटे रखे थे, सुबह मैंने भिगोए थे, तो अभी तो काफ़ी नरम हो चुके हैं। ये देखें जी कितना खूबसूरत और प्यारा कलर आ चुका है। तो इसी तरह ये देखें खूबसूरत कलर, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। तो अभी तो ये इस कलर के बाद मैं अभी डालती हूँ, मैं अभी आपके सामने उसी ऑयल में डाल रही हूँ। ये ऑयल बहुत गर्म है लेकिन मैंने अलग अलग ऑयल इसीलिए किया कि कलर ऑयल में आ जाएगा। तो पहले मैं
रेड वाले तल लेती हूँ, उसके साथ ही दूसरे जो है वो मैंने दूसरे कढ़ाई में डाल दिए ताकि दोनों एक दफ़ा हो जाएं। तो अभी जी मेरे रेड वाले मैं आपको दिखा रही हूँ, जो सब्ज़ वाले हैं ये इसके साथ ही हैं, कढ़ाई दूसरे चूल्हे पे रखी हुई तो उसमें वो भी डाल दिए। तो चलें जी, दोनों मेरे जो है ना चने ये भी हो गए हैं रोस्ट। तो अभी मैं इनको निकालती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ जी निम्को में। निम्को जी आपको नज़र आ रही होगी, माशाल्लाह बहुत प्यारी निम्को बनी है। तो जी मेरे चने भी दोनों हो गए हैं, दोनों कलर वाले ये आपके सामने मैं डाल रही हूँ, सब्ज़ कलर वाले और रेड कलर वाले। जी आपने मुझे बताना है कि ये कैसी निम्को बनी थी, कलर कैसा आया था, और बहुत मज़ेदार से बने हैं जी, बहुत मज़ेदार निम्को। तो अभी मैं इसको खट्टा मीठा करने के लिए इसमें डालूँगी जी चाट मसाला, तो इसके ऊपर ही मैंने छिड़क देना है चाट मसाला और साथ लेमन। तो अभी मैं ये चने डालने के बाद अभी मैं इस पर डाल रही हूँ जी, चने के बाद साथ साथ ही चाट मसाला भी मैं इस पर डाल देती हूँ और साथ लेमन भी डाल देती हूँ, तो बहुत ही खट्टे मीठे हो जाएंगे जी निम्को, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये मैं अभी डाल रही हूँ जिस पर चाट मसाला, तो चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इस पर डालूँगी जी लेमन। तो आप लोगों ने भी मुझे लाजम बताना है कि जी मेरी निम्को कैसी बनी थी। तो मैंने आज बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलें जी अभी मैं लेमन डाल देती हूँ, लेमन के बाद उसके ये आपको नज़र आ रहे हैं जी कलर कैसे आए हैं, ये पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये सब्ज़ और हरा कलर, सब्ज़ कलर और रेड कलर, सॉरी रेड कलर और सब्ज़ कलर कैसा आया। ये बहुत ही वो होते हैं ना कि एक हरा और सुरख रंग मिल जाए तो ना एक बड़ा प्यारा सा लगता है। तो बस ही आपको आज मैंने दिखाने के लिए निम्को बनाई है जी, आज मेरी रेसिपी ये थी। तो आप लोगों ने मुझे बताना है जी आज की रेसिपी मेरी आप लोगों को कैसी लगी है जी, लाजमी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करना है। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो दोबारा आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।